ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी काल चक्र। ये कहानी भारत के उत्थान और पतन की है, जिसे काल ने स्वयं साक्षी होकर देखा। भारतवासियों को कहानी सुनाते हुए काल कहता है, हे भारतवासियों सुनो, मैं काल हूं जिसे तुम समय का चक्र कहते हो। यही भारत जो अब गरीब है, वही सत्युग में साहूकार था। वहां सोने और हीरे से सजे सजाए महल थे। स्वयं भगवान ने आकर गरीब भारत को साहूकार बनाया था। तुम्ही ने भगवान से कहा था, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। तुम्ही बलिहार गए और स्वर्ग के मालिक बने थे। तुम कितने खुश नसीब हो जो भगवान ने तुम्हें प्रिंस प्रिंसेस बनाया था। मैंने तुम्हें देखा है जब तुमने भगवान के साथ ज्ञान डांस किया था। इसी ज्ञान डांस ने तुम्हें प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करना सिखाया था। फिर काल ब्राह्मणों से कहता है, हे ब्राह्मण, तुम ही देवता थे, इस विश्व के मालिक थे। अब भगवान की याद में रहकर अपनी अवस्था को और मजबूत करो। समय बदलने वाला है, मौत से नहीं डरना है। अपने बहानेबाजी की खेल को छोड़ मास्टर दातापन के स्वमान को धारण करो। अब दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना ही है। स्नेह और सहयोग देना ही लेना है। इस प्रकार काल के संवाद सुन ब्राह्मणों को अपने देवता स्वरूप की स्मृति आ जाती है और सभी मैं और मेरे पन से वैरागी होने के अभ्यास में लगकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अपने देवी संस्कारों से ही हम भारत को फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।